वेलकम बैक माय चैनल। गाइस कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल कलेक्शंस मीन सूट्स टॉप्स एंड वेस्टर्न ड्रेस है जिसे आप फेस्टिवल में वेयर कर सकते हो। और ये सारी जो कलेक्शन है उसको मैंने परचेस किया है मीशो एंड मार्केट प्लेस। तो जो ड्रेस मेरी मीशो से है मैं उसे भी आपको बताऊंगी और जो ड्रेस मेरी मार्केट प्लेस से मैं उसे भी बताऊंगी। और ये सारी ड्रेस मुझे मिली है अंडर रेट 1000 मीन्स 1000 के अंदर ही सारे ड्रेस की प्राइस है। फेस्टिवल आ गए हैं सामने, बाहर जाना है, घूमना है। इस फेस्टिवल और आउटिंग के लिए मैंने क्या खुद के लिए परचेज किया है चलो मैं वो सब आपको दिखाती हूँ। कौन कौन से कलेक्शन है मेरे पास जो वियर लाइक वेस्टर्न एंड लुक्स लाइक ट्रेडिशनल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रेस है वो वॉयलेट कलर का है, डार्क पर्पल में मीन्स डार्क पर्पल पिंक पोल के। और इसके नेक पे ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है जो स्टोन से बने हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, मिरर से बने हुए हैं। और इसकी साइड्स में मैं आपको पिक भी दिखा रही हूँ जो पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके से आता। और इसकी बैक नेक पे भी आपको लेस लगे हुए हैं जिसे आप बांध सकते हो और उसका बैक भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, इस तरीके से रहेगा। और मैं आपको साइड में पिक शेयर कर रही हूँ ताकि आप देख सको कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा लगता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये मेरी फेवरेट वन ड्रेस हो गई, मुझे बहुत पसंद आई वाली ड्रेस। तो गाइस नेक्स्ट ड्रेस मेरी, इसे भी मैंने मार्केट प्लेस से ही परचेज किया, अंडर रेट 1000 है। और इसका कलर वाइट है और इसका जो नेक पे डिज़ाइन दिया हुआ है ये ब्राउन कलर में है। और इसकी नेक पीछे कॉलर टाइप में है और पूरी नेक पे इस तरीके से डिज़ाइन है, फिर एक लेस भी लगा हुआ है। पूरा ड्रेस जो है वो नी से थोड़ा नीचे है, अकाफ तक है। और इसका जो फैब्रिक जो है बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है। और इसकी बाजू स्लीव्स भी फुल है। मेरे हस्बैंड को वाइट बहुत पसंद, उन्होंने देखा तो उनको ये तुरंत पसंद आ गई। मैं रिटर्न करने वाली थी पर उन्होंने कहा नहीं, तो अब उन्होंने कह दिया कि पसंद है तो मुझे रखना ही पड़ेगा। बिकॉज ड्रेस भी तुम्हारे पास नहीं, तुम ये करो, मैं वाइट अवॉइड कर दूँ। लेकिन ये मैंने जब पहना तो मुझे वो आके भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मुझे भी अच्छा लग रहा तो और हस्बैंड को भी पसंद है तो रख लेते। और अच्छा था जैसे देखने में वैसे पहनने के बाद और अच्छा इसका लुक आ रहा था। और इसका फ्लेवर भी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी, ये है मैंने ये इस ड्रेस जो है ये है कप्तान कुर्ता। आजकल काफ़ी फैशन में चल रहा है मीन्स, और मैंने इसको मीशो से ही परचेस किया है ये में। और ये भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा था इसका, ये जीन्स पे और या तो आप लेगिंग पे भी डालो क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा है मीन्स घुटने तक है, कुर्ती टाइप में आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेस वाले डिज़ाइन है और यहाँ पे इसकी कोई या इस तरीके से प्लास्टिक लगी हुई है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इजीली वेयर कर सकते हो। मीन्स मैं पतली हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत अच्छे से आ रहा था, थोड़ा मोटा होगा 3 साल होगा उसे भी ये ड्रेस आराम से आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है। इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप कपड़े में आता है मीन्स क्रेप का है। और इसके इस तरीके से क्रोशिया वाला वर्क इसमें हुआ है वाइट कलर में। और इसका कलर वो फिर मतलब लाइट ब्लू में आ रहा था, ब्लू और ब्लैक के इस तरीके से बॉक्सेस बने। मुझे ये ड्रेस भी बहुत पसंद आई, स्पेशली जीन्स पे वेयर करने के लिए या आप लेगिंग पे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक क्रॉप टॉप है, ये लाइट ग्रीन कलर का है और इसे भी मैंने मीशो से परचेस किया है। और गाइस इसकी प्राइस बहुत ही लो है मीन्स ये अंडर रेट 200 के अंडर में है। मैंने यूं ही इसको देख कर मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने मंगा लिया था, क्रॉप टॉप में था। मैंने सोचा था कि साड़ी के मतलब साड़ी पे वेयर करूँगी मीन्स लाइक ब्लाउज की टाइप में हाफ, बट ये मंगाने के बाद इसका लेंथ ना पूरा था और ये पूरी जीन्स पे हाई वेस्ट जीन्स हो उस पर इजली आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। मैंने साइड्स में इसलिए आपको फोटो भी शेयर करूँ कि पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है ये थोड़ा मतलब मुझे तो आ जा रही थी तो थोड़ा मोटा भी होगा तो उसको भी आ जाएगी आराम से क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेचबल है। और इसका वेट भी बहुत लाइट है, बहुत ही सॉफ्ट है इसका। मैंने इसे मुझे तुरंत पसंद आया और मैंने इसको फिर रख लिया अपने लिए कि मैं साड़ी या जीन्स पे दोनों पे वेयर कर सकते हो।
इस नेक्स्ट जो है ये टॉप है और इसका ये जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस पर चिकनकारी वर्क किया हुआ है और इस पर छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हैं, मीन सितारा वाला जो वर्क होता है इससे लाइट आ रहा था और ये लेमन कलर का है। ऐसे भी मैंने मार्केट प्लेस से परचेज़ किया और इसका जो रेट है वो आप सुनोगे तो आप कहोगे वाह कितनी रिजनेबल प्राइस में आपको मिला है। ये मुझे अंडर रेट 500 के अंडर में मिला है, मुझे बहुत पसंद आया इसका। और इसके कॉलर बैग से पूरा है और इस चीज़ पर इसमें रबड़ लगी हुई इलास्टिक टाइप में है जिससे आपके फ्रंट और बैग पे किसी तरीके से कुछ टाइट नहीं होता है। और इस तरीके से इसका पूरा ड्रेस है, ये पहनने के बाद तो और ऑसम लग रहा था। पसंद आया ये वाला ड्रेस भी, इसका जॉर्जेट भी बहुत ही सॉफ्ट है, फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। मींस ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जॉर्जेट हार्ड होता है, गले पे पहनो तो इरिटेशन होने नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं। और इसमें जो वर्क किए वो भी चुभने लायक नहीं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मींस इसे हम वेयर करके कहीं जाते ना तो एक बार तो लोग क्वेश्चन कर ही लेंगे कि भाई कहाँ से लिया, मुझे भी बता दो। तो गाइस ये जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मेरी, मैंने भी इसे परचेज़ किया मार्केट प्लेस से और इसका रेट जो है वो अंडर रेट 500 है। और इसमें इस तरीके फैब्रिक है, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है पर इसकी जॉर्जेट थोड़े हल्के हैं और थोड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत पतले वाले हैं। और नेक पे इस तरीके से बैक नेक पे पूरा नेट टाइप में डिज़ाइन दिया हुआ है और इसकी बाजू हाफ क्वार्टर बाजू है और बाजू पे भी डिज़ाइन है और साथ में इसकी फ्रंट नेक पे ओनली एक लेस लगा हुआ है, मीन्स एक डोरी है जिसे आप बांध लो। और इसके साथ एक क्रॉप टॉप है शॉर्ट और इसके अंदर इस तरीके से क्रॉप टॉप दिया हुआ है, इस पर पूरी इलास्टिक लगी हुई है मुझे और थोड़ा मोटा भी होगा कोई तो मुझसे भी आ जाएगा इसलिए। और ये ऊपर से इसका जैकेट में है, आप चाहो तो इसे अलग वेयर कर सकते हो, उसे भी अलग वेयर कर सकते हो। दोनों तरीके से मैंने वेयर करके देखा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये टॉप भी बहुत पसंद आई बिकॉज ना इसका जो मैंने बताया फैब्रिक ठीक है, बहुत हार्ड जॉर्जेट नहीं बट ठीक है। और मैंने इसे सोचा कि मैं दोनों तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी नेक्स्ट जो ड्रेस है इसे मैंने मीशो से परचेज़ किया है और ये इसका प्राइस भी अंडर रेट 500 है। और इसका जो कलर है ब्लू कलर नहीं है, ये मैंने जो पहना ब्लू है और ये मुझे पहले लगा ब्लू है पर ब्लू नहीं है, ये पर्पल कलर में आता है। और इस तरीके से फुल ड्रेस है वेस्टर्न ड्रेस और नी से थोड़ा नीचे आता है, मीन्स आपका काफ नी बोलते हैं ना उस तरीके से। और इस पर पूरी पूरी इलास्टिक लगी है फ्रंट एंड बैक दोनों की, मीन्स आप इसमें ये नहीं पता चलता आप फ्रंट से पहने दोनों साइड से पहन सकते हो। और इसका लुक आप साइड पिक्स में देख सकते हो कि पहनने के बाद भी इसका लुक भी कितना ब्यूटीफुल लगता है। और इसकी हाफ बाजू है, मीन्स हाफ बाजू नहीं हुई है स्लिप्स है, मीन्स आपके जो नॉर्मल स्लिप्स होते हैं उतने हैं। और इसका पूरा जो फैब्रिक है फैब्रिक का है सॉफ्ट का भी फैब्रिक और इसका भी फुल ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, पहनने के बाद और भी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है नायरा सूट एक्चुअली। तो गाइस ये नायरा सूट मैंने मंगाया है, मैंने कुर्तियाँ पहने और सूट पहना पर अभी तक मैंने नायरा नहीं पहना, मेरा नायरा सूट पहनने का बहुत इच्छा थी तो मैंने इसे परचेज कर लिया। मैंने कहा मंगा लेते एक बार देख लेते, मैंने एक दो बार और परचेज किया, मुझे लूज आ रही थी या किसी का कलर, लेकिन इसे देखने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता किसका कलर नहीं। इस नायरा सूट को मैंने मार्केट प्लेस से ही परचेज किया और इसका जो प्राइस है वो अंडर 1000 ही है। इसके गले पे नेक पे इस तरीके से काफी ज्यादा वर्क है और ये बहुत ही प्यारा लुक देगा पहनने के बाद और ब्यूटीफुल देखने में भी लग रहा है। उसके पहन और इसके साइड्स में भी आपको इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाती है, लेस पतले ये थोड़ा हाँ इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाती है। और ये आप करवा चौथ पे वेयर करते हैं दिवाली पे, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। और इसके साथ ही पैंट है इसके साथ और ये मरून कलर में सेम कलर का और प्रिंट भी सेम है। और इस तरीके से इसकी बॉटम में नीचे पैंट के नीचे हीरो पे भी इस तरीके की डिज़ाइन है और पूरे सूट में इस तरीके से प्रिंट है, मीन्स ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, गोल्डन प्रिंट है। साथ में आपको दुपट्टा भी मिला सॉफ्ट है और ये कॉटन में हम बहुत पसंद आया बिकॉज ये दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा होता है ना, कई बार हमारे पास जॉर्जेट का दुपट्टा जो होता है हम लेते तो हैं क्योंकि कहीं हमें जाना है, कई बार होता ना कि आप जिस जगह जा रहे हो पूजा है या मतलब पूजा में तो अक्सर हम लोग सर पे लेते हैं और यदि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पूजा के दिन किसी से मिलने जा रहे हो तो इसलिए आप सर पे लेते, ये तो आपके सर से फिसलता नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन वाला है और ये बहुत ही प्यारा, इसमें भी चुन्नी में भी इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, इसकी गोल्डन के पतली पतली तारे हैं जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो गाइस इस तरीके से मेरे कुछ
फेस्टिव सीजन के ड्रेसेस हैं और कुछ वेस्टर्न ड्रेस हैं जिसे आप फेस्टिव सीजन में भी वेयर कर सकते हो, और कुछ ड्रेस मीन्स जो मैंने आपको पर्पल पिंक में मीन्स वॉलेट कलर में दी, उसे तो आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, वो एक डिफरेंट लुक देगा आपको, और चाहे तो आप पार्टी वेयर पार्टी या बाहर भी कहीं यूज़ कर सकते हो। इस तरीके के मेरे जो कलेक्शन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, होप कि गाइज आपको पसंद आए। गाइज आप लोग मुझे बताना जरूर कि इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सी ड्रेस आई। मुझे तो पसंद जो आई मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई वो मुझे कॉमेंट में जरूर लिखना। होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो तो लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस फेस्टिव सीजन में कुछ इस तरीके के ड्रेसेस परचेज कर सके, वो भी अंडर रेट 1000। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।